नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल और मैं हूं आदित्य मणि त्रिपाठी। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को IRCTC की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। IRCTC ने अपने कुछ नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं, जिसके तहत जो भी यात्री एक महीने में एक तय संख्या में ही टिकट बुकिंग कर सकते थे, वे अब एक महीने में तय संख्या से ज़्यादा टिकट बुक कर सकते हैं। दरअसल बहुत से ऐसे भी यात्री होते हैं जिन्हें महीने में अपने बिजनेस या अपने कई अन्य कामों के वजह से काफ़ी बार रेलवे से सफ़र करना पड़ता है। ऐसे यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे के नियमों के मुताबिक महीने में एक यूज़र आईडी से सिर्फ आप 6 बार रेलवे टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अगर एक यूज़र IRCTC की आईडी से अपना आधार लिंक करवाता है तो फिर एक महीने में आप 12 टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए क्या है पूरा प्रोसेस, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यात्रियों को अपनी IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट में लॉगिन करके अपने प्रोफाइल में जाकर आधार KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद से आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के OTP के जरिए पूरी की जाएगी। आधार KYC पेज ओपन होने के बाद से आधार में जो नाम दर्ज है उसी नाम को वहाँ लिखें। इसके बाद आधार नंबर को बॉक्स में डालने के बाद चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर OTP दर्ज करें, जिसके बाद से IRCTC रजिस्टर्ड यूज़र से आधार लिंक हो जाएगा। आधार लिंक होने के बाद से फिर आपको ये पूरी सुविधा मिलेगी, जिसके बाद से आप महीने में 6 नहीं बल्कि 12 टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद से आपको अपनी स्क्रीन पर पूरा अपडेट मिल जाएगा और ये पूरी जानकारी आपको IRCTC के थ्रू जीमेल के थ्रू आपको मेल करके भी बता दी जाएगी। हमें उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम रोचक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें टीवी 100 नेशनल। धन्यवाद।